अस्सलाम वालेकुम। न्यू फैशन में जैसे कि मेरे भाई ये हम डिज़ाइन जेब बना रहे हैं, ये देखें किस तरीके से बनता है। हमने इसको सिलाई लगाई और पीछे से इसके जो नीचे से धागे निकाल रहे हैं जो सिलाई लगाई हुई है। अब ये देखें ए लिखा हुआ है इंग्लिश में और इसको सुई से तुरपाई करेंगे और किस तरीके से करते हैं ये देखें। यहाँ से लगाएं और इसको नीचे से निकालें, ठीक है। अब ये देखें और उस दूसरे पास साइड में लगाएं और इसको सेट करें। यहाँ देखें ये कैसे डिज़ाइन जेब बनाई जाती है। हम सिलाई मशीन का जो काम करते हैं उसमें डिज़ाइन जेब लगाते हैं, वो ये जेब बनाया है हमने एक कस्टमर का, जिसकी फरमाइश थी कि इंग्लिश में ए लफ्ज़ लगाएं, उसका वर्ड लगाया है और आपको ये दिखा रहे हैं किस तरीके से सिलाई मशीन में इसका काम किया जाता है और डिज़ाइन जेब को किस तरीके से बनाया जा सकता है। ये देखें हमने बड़े अच्छे तरीके से इस कस्टमर का जो शौक था वो हमने पूरा किया है, जो ए का लफ्ज़ बनाया है, और आपको ये हाथ से इसकी सिलाई जो लगा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। ये देखें किस तरीके से लगती है, अच्छे तरीके से लगती है और ये अच्छे तरीके से ए बन भी जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियो बने वो आप तक बआसानी तक पहुँचे, ये ए बन गए। और ये एक सिलाई मशीन है बनाने के लिए कस्टमर लेके आए और ये सिलाई मशीन हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको क्या तैयार किया जाता है। ये पुरानी मशीन है, बहुत पुरानी है, ये कहीं पे किस कस्टमर की पड़ी हुई थी जो इसका काम नहीं करवाया जा सका। और ये देखें अंदर से कितने इसमें कचरा आ गया है, बहुत सी धूल और मिट्टी भी आ गई है। ये देखें हम इस मशीन को खोलेंगे और तैयार करेंगे और आपको बताएंगे। ये देखें आगे की हम इसको मुहाड़ी निकाली है और अंदर से इसको देखें कितना कीचड़ हुआ है, कितनी मिट्टी आ गई है। और ये पुरानी मशीन है, पुरानी सदी का मशीन है, इसको हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे भी सही। ये गज़ है, मेन गज़ और टॉप ऊपर करने वाला गज़ है ये।